हाय गाइस, वेलकम अगेन चौधरी कंप्यूटर क्लासेस। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक देखा जाए तो दुख खबरी ही बोल सकते हैं उसको, क्योंकि क्या था, फ्राइडे और सैटरडे को जब हमने CSV वालों के पास कॉल की थी तो उन्होंने साफ साफ बताया था कि मंडे को हो सकता है कि आपकी जो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए गए हैं वो जो सीटें अपडेट कर दी जाए, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आज देखा जाए तो ट्यूसडे हो चुका है और इस प्रकार का कोई नया अपडेट देखने को नहीं मिला है। तो इसमें क्या बोल सकते हैं हम यार, इंडियन एयरफोर्स वालों को इस तरीके की अगली बार जब अपना रजिस्ट्रेशन ले तो इस प्रकार का जो कोई स्कैम ना होने के लिए वो 12th की मार्कशीट साथ साथ में अपलोड करा सकते हैं, जिससे कि जो कैंडिडेट वास्तव में मेहनत करना जानते हैं, जिन कैंडिडेट की 90% थी, 89% थी, 88% थी, यार उनकी इसमें क्या गलती है, उनकी 90% है किसी कैंडिडेट की, उसका भी कॉल लेटर नहीं आया, बता दो यार वो क्या करे। तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा देखा जाए तो बहुत ही बड़ा इश्यू है यह, और इसमें उन कैंडिडेट को सबसे बड़ा जिम्मेदार मैं ठहराना चाहूँगा जिन कैंडिडेट ने अपना 100% डाल दिया जब अपना रजिस्ट्रेशन किया था ऑनलाइन, जबकि लेकिन उनकी वास्तविक तौर पर जो परसेंटेज थी 78, 77, किसी कैंडिडेट की 74 थी। तो एक ऐसा कैंडिडेट भी रहा है जिसकी जो यूपी में जो परसेंटेज थी वो 74 थी, लेकिन उसकी उसने जब रजिस्ट्रेशन किया था उसने परसेंटेज डाल दी थी उसमें 100%। तो उसका कॉल लेटर भी आया है और उसका एडमिट कार्ड भी आ चुका है इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो यह बहुत ही बड़ा स्कैम है देखा जाए तो। इन कैंडिडेट को मैं, ऐसे जो कैंडिडेट हैं जो कैंडिडेट इस तरीके का स्कैम कर रहे हैं और इस तरीके की गैर जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं, उन कैंडिडेट को वहां से मैं साफ साफ बता देता हूं परमानेंटली के लिए डिसेबल कर दिया जाए, स्टार के लिए भी और रजिस्ट्रेशन आपका रैली की भर्ती के लिए उनका रजिस्ट्रेशन ही ना लिया जाए, क्योंकि इनके पास इनके डॉक्यूमेंट्स तो होंगे ही आपका देखा जाए तो, आधार कार्ड ये सब कुछ इनके पास डाटा तो रहेगा ही। देखिए मैं इन कैंडिडेट को डिमोटिव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैंडिडेट का देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक मेन रोल है इन कैंडिडेट को बाहर करने का, जिन कैंडिडेट का देखा जाए तो 90% है, 89% है, तो यार वो क्या करें, इतना मतलब 89, 90% होने के बावजूद आपका देखा जाए तो रैली की भर्ती देखने का मौका नहीं मिल रहा है एयरफोर्स की, तो इसमें उनका क्या कसूर है। तो इंडियन एयरफोर्स वालों को ये अपडेट करना चाहिए था लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। देखा जाए तो यूपी में के लिए यार यूपी और बिहार में अप्रोक्स सेम ही फॉर्म फिल किए गए थे, लेकिन बिहार में 2200 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन यूपी से मात्र 1181 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है, बहुत ही ना के बराबर। देखा जाए तो आधे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए हैं, तो कट ऑफ तो आपको डेफिनेट जानी ही थी 91, और वैसे भी अब मैंने आपको दिखाया था बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिसकी 100% 99% डाल रखी थी, लेकिन उनकी रियल में इतनी परसेंट है नहीं। और ऐसे जो कैंडिडेट अपना एग्ज़ाम देने जाएंगे और इंडियन एयरफोर्स की रैली की भर्ती देने जाएंगे तो सबसे पहले उनका डॉक्यूमेंट्स चेक ही किया जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स में इस तरीके की गलती पाई गई तो सबसे पहले आपको वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों काम क्यों कर रहे हो यार, अब मतलब अपना भी चांस गंवा रहे हो और जो आगे आने वाले कैंडिडेट हैं जिनकी 90% है, 89, 88 और आपका देखा जाए तो 87% है, उनका भी चांस, उनको भी यार चांस मिल सकता था, उनका भी आपने चांस गंवा दिया और आप भी एग्ज़ाम दे नहीं पाओगे। तो यार ऐसा ऐसे करने से क्या फ़ायदा आपको, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप बिल्कुल ऐसा ना करें, जो आपकी रियल में परसेंटेज है केवल उसको ही डालें, आए या ना आए वो आपकी ईमानदारी रही, तो आप बिल्कुल ऐसा ना करें, मेरा उनके लिए यही संदेश है जिन कैंडिडेट ने 100% डाल रखी थी। आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप बिल्कुल अपना जो रियल परसेंटेज है उसको ही डालें, और उससे अलग डालते हो तो यार आपको वहां से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी ना आप शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हो तो आपको वर्दी मिल जाएगी, आप इस तरीके से बेईमानी से कभी वर्दी ना पा सकोगे और ना आगे आने वाले समय में ले पाओगे। तो मैं यही बात कहना चाहूँगा उन कैंडिडेट के लिए, आप बिल्कुल ऐसा ना करें, और साथ में CASB वालों के लिए भी साथ में संदेश देना चाहूँगा, जब आप अगली बार अपना इस तरीके की परसेंटेज बेस पर रैली की भर्ती कराएं तो उनका जो मार्कशीट है 12th का साथ में अपलोड करा सकते हैं आप वहां से बिल्कुल डेफिनेटली। जब आप एनालिसिस करेंगे तो उन कैंडिडेट को जो उन्होंने अलग डाल रखी है बाहर कर दिया जाएगा, सीधी सी बात है। तो यही बात बताना चाहता था, आज ट्यूसडे हो चुका है और किसी भी प्रकार का इंडियन एयरफोर्स ने अभी अपडेट जारी नहीं किया है, तो करना चाहिए था, तो यही बताना था आपको। तो थैंक्स, जैसा ही कोई नया अपडेट मिलेगा मैं आपको तुरंत ही बता दूंगा। तो थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।